मुंबई महाराष्ट्र की फटाफट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में जल्दी होने जा रहे महानगर पालिकाओं के चुनाव, 17 मई तक फाइनल वार्ड स्ट्रक्चर बनाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिया गया ओबीसी आरक्षण से जुड़ा फैसला महाराष्ट्र में क्या असर डालेगा, सबसे बड़ा सवाल। महाराष्ट्र में जून जुलाई में आएगी कोरोना की चौथी लहर, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी सांसद बृजभूषण के पक्ष हिंदू संतों महंतों का फैसला। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना राज ठाकरे नहीं आ पाएंगे अयोध्या। राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ी, घर में अनधिकृत निर्माण पर बीएमसी का नोटिस। एमआरआई की तस्वीरें लीक करने पर थाने में शिकायत दर्ज। राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार को खुला चैलेंज, सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, हमें जवाब देना आता है। घर बैठे ऐप के जरिए अजान सुन सकेंगे लोग, मुंबई की जुमा मस्जिद की अनोखी पहल। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को अनाथालय में रह रही दो छात्राओं के लिए तत्काल अनाथ प्रमाण पत्र जारी करने के दिए निर्देश। मुंबई में कुरियर के बहाने चोरों ने की लूटपाट, पुलिस कर रही है जांच। रेलवे का मुंबईकरों को तोहफा, अब हर रविवार को चलेगी एसी लोकल ट्रेनें। ऐसे ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए एंटी करप्शन न्यूज के साथ।